हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू टॉपर्स। दोस्तों, इंसान के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी व्यक्ति का जीवन ठीक प्रकार से व्यतीत होता है तो कभी व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। ऐसा बताया जाता है कि इंसान की जिंदगी सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा पलटता ही रहता है, चाहे आम आदमी की बात की जाए या फिर सेलिब्रिटी की। सभी के जीवन में अच्छा और बुरा वक्त आता जाता रहता है। वक्त को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। समय के साथ साथ जिंदगी की परिस्थितियाँ बदलती रहती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियाँ हैं जिन्होंने एक साधारण लड़की की तरह अपना घर बसाया था, परंतु उनके जीवन ने अचानक ही करवट ले ली और किसी कारण से इन अभिनेत्रियों का अपने पति से रिश्ता टूट गया। पति से तलाक होने के बाद ये अभिनेत्रियाँ बिल्कुल अकेली हो गई, परंतु इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मजबूत हौसले के साथ ये अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। आखिर वह अभिनेत्रियाँ कौन सी है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री है। वर्तमान समय में भी सभी लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में काम किया है। यह कपूर खानदान से ताल्लुक रखती है। इनका फिल्मी कैरियर बेहद शानदार रहा था। जब ये अपने कैरियर की ऊंचाइयों पर थी, तब उन्होंने बिजनेसमैन संजय कपूर से विवाह कर लिया। इस शादी से करिश्मा के दो बच्चे हुए, परंतु वर्ष 2016 में इन दोनों का तलाक हो गया और करिश्मा का अपने पति से रिश्ता टूट गया। भले ही करिश्मा अपने जीवन के इस मोड़ पर अकेली पड़ गई थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। सारा ध्यान अपने बच्चों पर लगाया। जब इनके बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर रुख किया। आपको बता दें कि इसी वर्ष शुरुआत में उनकी वेब सीरीज मेटल हुड रिलीज हुई थी। करिश्मा कपूर अब तलाक के बाद हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। नंबर 2, संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी अपने समय की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा थी। एक समय पहले संगीता बिजलानी का नाम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता सलमान खान से जोड़ा गया था, लेकिन बाद में संगीता बिजलानी ने क्रिकेट अजरुद्दीन से विवाह कर लिया। इन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और वर्ष 2010 में इन दोनों ने तलाक ले लिया। संगीता बिजलानी अब अकेली खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही है। नंबर 3, मनीषा कोराला। फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोराला अपने जमाने की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थी। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें कि मनीषा कोराला ने बिजनेसमैन सम्राट देहल से विवाह किया था, परंतु इनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इन दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बनने लगी। रिश्ता खराब होने की वजह से सिर्फ 2 साल बाद ही इन दोनों ने तलाक ले लिया था। काफी लंबे समय से मनीषा कोराला फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही, परंतु बाद में उन्होंने वापसी की। बीते साल वह फिल्म प्रस्थान में दिखाई दी। नंबर 3, महिमा चौधरी। फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी को भला कौन नहीं जानता। इन्होंने शाहरुख खान की फिल्म परदेश से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री मारी थी। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो महिमा चौधरी अब फिल्म इंडस्ट्री से लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आपको बता दें कि वर्ष 2006 में महिमा चौधरी ने बॉबी मुखर्जी से विवाह किया था। विवाह के सिर्फ 7 वर्षों के बाद ही यह एक दूसरे से अलग हो गए। महिमा चौधरी का एक बेटा है जिसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। नंबर 5, मालिका अरोड़ा। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री और मॉडल मालिका अरोड़ा का विवाह अरबाज खान से हुआ था, परंतु विवाह के कुछ सालों बाद ही इनके बीच में किसी बात को लेकर मतभेद होने लगा। आखिर में इन दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। विवाह के लगभग 10 वर्ष के पश्चात यह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आपको बता दें कि मालिका अरोड़ा और अरबाज का बेटा है जो अपनी माँ के साथ ही रहता है। तलाक के बाद मालिका अरोड़ा ने हिम्मत नहीं हारी। फिलहाल में मालिका अरोड़ा अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री की लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छी लगी, आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड की ऐसी ही चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ आपको ऐसी ही मसालेदार खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।